उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज एमजी डिग्री कॉलेज में एक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में पूजा साध्वी दीदी देवादिति जी के दिव्य आगमन पर महिला पतंजलि योग समिति द्वारा स्टेशन रोड एमजी डिग्री कॉलेज में सैकड़ों छात्राओं को योग का पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं, महिला पतंजलि योग समिति की राज्य संवाद प्रभारी सीमा आय ने छात्राओं को कई तरह के योग भी कराए और स्वास्थ्य के बारे में कहा कि आप फेयर एंड लवली लगाने से हमारे अंग से गंध नहीं निकलती है। आप फेयर एंड लवली की जगह दूध से निकली हुई क्रीम को लगाइए, नारियल का तेल लगाएं और कहीं भी बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। और प्रभारी सीमा आया ने एक मन भी बताया कि माँ बाप, भाई, चाचा, नाना, नानी अगर कोई भी आपस में बातें कर रहे हो तो आप बीच में ना बोलें। आप बोलेंगी तो सभी को गुस्सा आएगा। गुस्से का एक मंत्र सभी छात्राओं को देती हूँ। वह मंत्र का नाम है, कोई बात नहीं है, हमारे और आपके शरीर में मानसिक रोग है, झूठ बोलना, झूठ कभी मत बोलो। वहीं एमजी कॉलेज की प्रधानाचार्य निर्मला यादव, राज्य संभाग प्रभारी सीमा आया, बीएसआई महामंत्री अर्चना आर्य, जिला प्रभारी ज्योति गुप्ता एवं निष्ठा शर्मा, सैल गुप्ता, मीना गुप्ता, तुलसी देवी, प्रियदर्शनी आदि महिला पतंजलि योग समिति एवं टीचर मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सौरभ सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। आज ये पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में महिला पतंजलि योग समिति द्वारा यहाँ योग और जीवन दर्शन पर एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था, जिसमें लगभग 150 से 200 छात्राएं इस कॉलेज की सम्मिलित हुई। आज जो हमारे समाज में विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए आज ये योग और जीवन दर्शन पर एक छोटा सा सेमिनार रखा गया कि आप किस प्रकार से आज जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं का जो क्षरण हो रहा है, हम कैसे अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, मन से मजबूत हो सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में हम कैसे सहयोग दे सकते हैं, वही सारा छात्राओं को बताया गया। आज लगभग करीब 150 से 200 हमारी जो बहनें थीं उनको विभिन्न योग के क्रियाओं के बारे में बताया गया। ये पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में